दोस्तों 90 का दशक बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो दशक था जब कोई भी आकर अपनी काबिलियत और टैलेंट के बलबूते पर नाम बना सकता था, जिसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां एक तरफ ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो कि बेहद आलिशान और अमीर परिवारों से ताल्लुक रखती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी भी कई एक्ट्रेस हैं जो आज तो एक काफी रहीस भरी जिंदगी जीती हैं, पर इंडस्ट्री में आने से पहले वो काफी गरीबी भरी जिंदगी जीती थी। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की ऐसी ही 6 अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने 90 के दशक पर बॉलीवुड पर राज किया, पर वो अभिनेत्रियां बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले बेहद गरीबी भरी जिंदगी जीती थी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर एक पर है सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लेने वाली अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल है और एक ऐशो आराम भरी जिंदगी जीती है। पर बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले सोनाली बेंद्रे भी एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह से इन्होंने बचपन में काफी ज्यादा साधारण सी जिंदगी जी थी। पर इनकी किस्मत तो इन्हें बॉलीवुड में लाना चाहती थी, तभी तो कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान इन्हें उसमें जाना पड़ गया, जिसके बाद तो इन्हें ढेरों मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और इनकी किस्मत चमक गई। नंबर दो पर है माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित किस तरह लोगों के दिलों पर राज करके बॉलीवुड पर राज कर चुकी हैं, ये तो सभी जानते हैं, पर ये बेहद ही कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित एक काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी फैमिली में पहले छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च करने से पहले काफी सोचना पड़ता था, और इसीलिए तो माधुरी दीक्षित को अपनी डांस क्लासेस की फीस दे पाने में भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से तो इन्होंने एक बार अपनी डांस क्लासेस को छोड़ने का फैसला ले लिया था। पर माधुरी दीक्षित की किस्मत ऐसी चमकी कि एक बार एक बड़े डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और इन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। नंबर तीन पर है रवीना टंडन। अपनी मस्त मस्त अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली रवीना टंडन भी एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले रवीना टंडन अपनी गरीबी के चलते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इनके पास भी एक्टिंग क्लास लेने के लिए पैसे नहीं होते थे और इसीलिए इन्होंने हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही सही समझा था, जहां इन्हें आगे चलकर एड एजेंसी में काम करने का मौका मिला और इस तरह के गरीब होने के बावजूद बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस बन गई। नंबर चार पर है करिश्मा कपूर। जी हाँ, ये नाम सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी, पर ये बिल्कुल सच है। भले ही करिश्मा कपूर का जन्म कपूर खानदान में हुआ था, पर बेहद कम उम्र में ही इनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी मम्मी ने इनको और इनकी बहन को अकेले पाला, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर ने कम पैसों की वजह से साधारण सी जिंदगी जी थी, जहां 16 साल की उम्र में ही अपनी गरीबी के चलते ही इन्होंने फिल्मों में एंट्री लेने का फैसला लिया और आते ही अपनी जबरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया था। नंबर पाँच पर है शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का भी शामिल है। आपको बता दें कि आज शिल्पा शेट्टी ना सिर्फ अपनी फिल्मों से कमाई करके एक आलीशान जिंदगी जी रही हैं, बल्कि राज कुंद्रा से शादी करके तो इन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी में चार चांद लगा लिए हैं। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी भी एक गरीब परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं, जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर शिल्पा शेट्टी को तो एक्टिंग में ही जाना था और इसीलिए ये भी किसी न किसी तरह खुद को बॉलीवुड में लेकर आई हैं और अपना नाम बनाया। नंबर छह पर है काजोल। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शामिल है अभिनेत्री काजोल का, जिन्होंने 90 के दशक में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर और दुश्मन जैसी फिल्में देकर खुद को 90 के दशक की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में शामिल किया था। बता दें कि यूं तो काजोल एक फिल्मी परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं, पर इसके बावजूद इनकी फैमिली में एक समय ऐसा भी आया था जब इनका परिवार काफी गरीब हो गया था, जहां इनके पास ढंग से खाने को भी नहीं होता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने परिवार की ऐसी हालत देख बेहद कम समय में ही इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी और आगे चलकर नंबर वन एक्ट्रेस भी बन गई। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से आपको किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।